दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल दैमन जीके क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम आपके लिए सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो हम क्वेश्चंस पर आते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चंस। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया, राजपूताना शब्द जो है उसका सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? इसका आंसर होगा जॉर्ज थॉमस ने। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। अगला क्वेश्चन आता है, रास्ताना दित्य शब्द का उल्लेख मिलता है, हमें रास्ताना दित्य जो शब्द है उसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो इसका आंसर होगा बसंतगढ़ शिलालेख। कहाँ पर मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी थी, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड ने। अगला क्वेश्चन है, जेम्स टोड का राजस्थान में प्रवेश माना जाता है, जेम्स टोड का राजस्थान में प्रवेश माना जाता है? तो इसका आंसर होगा मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कहाँ से? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था, राजस्थान को जो वर्तमान स्वरूप है वो अस्तित्व में कब आया था? इसका आंसर होगा 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में जिले और संभाग, वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले और कितने संभाग हैं? तो इसका आंसर होगा राजस्थान में 33 जिले हैं और 7 संभाग हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा संभाग सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर होगा जयपुर संभाग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा जोधपुर संभाग। कौन सा होगा? जोधपुर संभाग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, राजस्थान का कौन सा संभाग ऐसा है जिसमें सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती हैं? तो इसका आंसर होगा कोटा संभाग। कौन सा होगा? कोटा संभाग। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम नदियों वाला संभाग, राजस्थान का ऐसा कौन सा संभाग है जहां पर न्यूनतम नदियां बहती हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में बहुत कम नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, राजस्थान का कौन सा संभाग जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग है वो सबसे छोटा संभाग है। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर संभाग का गठन हुआ, जो नवीनतम संभाग है राजस्थान का भरतपुर संभाग सातवा, उसका गठन कब हुआ? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 4 जून 2005 को भरतपुर का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम जिला प्रतापगढ़, यानी कि राजस्थान का जो 33वां जिला बना था प्रतापगढ़, जो सबसे नवीनतम जिला है, वो कब बना था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 26 जनवरी 2008 को बना था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी है दोस्तों गोडावण। कौन सा है? गोडावण। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, किसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है गोडावण को। गोडावण को किसको कहा जाता है? गोडावण को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, राजस्थान का राजकीय खेल, राज्य खेल कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बास्केटबॉल, राजस्थान का राज्य खेल है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय पशु है, राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा चिंकारा। कौन सा? चिंकारा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों खेजड़ी, राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, खेजड़ी जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा प्रोसेसिप सिनेरेरिया। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं, या रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहलाता है?
तो दोस्तों खेजड़ी जो है वो रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सागवान कहलाता है। राजस्थान का सागवान किसको कहा जाता है, राजस्थान का सागवान किसको कहा जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों रोहिडा, जो वृक्ष है रोहिडा का, उसको राजस्थान का सागवान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन होगा, राजस्थान की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका आंसर होगा अरावली पर्वतमाला, राजस्थान की प्राचीनतम पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों माउंट आबू सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों, जो कि अरावली पर्वतमाला में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन होगा, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों चंबल नदी जो है वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऐसी नदी जो राजस्थान में पूर्णतः बहती है, ऐसी सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा दोस्तों बनास नदी। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी कौन सी? ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार पार करती है? तो इसका आंसर होगा माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे श्री टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? दोस्तों राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका आंसर होगा सरदार गुरुमुख नियाल सिंह, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों राजस्थान में विधानसभा की सीटों की संख्या है 200। कितनी है? 200। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्राचीनतम सुसंगठित उद्योग कौन सा है? राजस्थान का प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग, राजस्थान का प्राचीनतम उद्योग है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं, राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं 25। कितनी है? 25 सीट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान की सबसे बड़ी नहर है। अगला क्वेश्चन आता है अपना, राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है दोस्तों, तो राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना किसको माना जाता है? कौन सी है प्रथम बाघ परियोजना? तो इसका आंसर होगा रणथंबोर अभयारण्य में जो चलाई गई थी वो सबसे प्रथम बाघ परियोजना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान है, तो राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान माना जाता है फलोदी को, जो कि जोधपुर में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है अपना, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है सांबर झील, जो कि जयपुर में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का राज्य पुष्प है, राजस्थान का राज्य पुष्प फूल कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा रोहिडा का जो फूल होता है वो राजस्थान का राज्य पुष्प है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में संसदीय सीट कितने, राजस्थान में संसद में कितनी सीटें हैं टोटल? तो इसका आंसर होगा 35 सीट, 25 लोकसभा की और 10 राज्यसभा की। थैंक यू।